आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशायाह की पुस्तक 60वां अध्याय वचन 1 से 10। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊँटों के झुंड और मिथ्यान और एपा देशों की सांडनियाँ इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियाँ इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश के जहां जाएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इसराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है।